बहुत लेट हो गया, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। क्या हो परी, सो जाओ ना। हाँ क्या मैं राजवीर को बता दूं कौन हूं मैं, किस दुनिया से आई हूं? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बतानी कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं कुछ गलत ही ना समझ ले। नहीं आज नहीं, कल बताऊंगी या फिर कुछ दिन बाद। मुझे परी को मतलब माँ को पूछना होगा कि जिनको वापस कैसे लाया जाए। अगर उन आत्माओं का विनाश करना है तो मुझे जिनकी मदद चाहिए होगी, और उसे वापस लाने के लिए माँ से ही पूछना होगा। बैठो यहां, अब इस भस्म को इस चक्र में रख दो। क्या हुआ परिधि, किस सोच में पड़ी हो? मैं ये सोच रही थी माँ, आपको मुझे मेरे बारे में बहुत पहले बता देना चाहिए था। जब से आपने मुझे मेरे बारे में बताया तब से मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा है, मैं ये बात राजवीर से शेयर करूँ या नहीं, और अगर करती हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, मेरी बात को मानेगा या नहीं, पता नहीं। इतना मत सोचो परिधि, कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो, किसी को कुछ भी मत बताओ, बस अपने दुश्मनों का विनाश करो। वक्त आने पर सबको सही बात बता देना। अगर चाहो तो मैं सबके सामने आऊंगी और मैं सबको बताऊंगी। अरहान के आने का वक्त हो गया है, उसे बुलाना होगा। अब अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपना हाथ इस भस्म में रखो। ना हाथ मत हटाना, इस वक्त वो किसी और दुनिया में है। तुम्हारे बुलाने पर वो आएगा, सिर्फ तुम्हारा कवच बने। मेरी बेटी हो तुम, तुम्हारे में भी कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो तुम खुद नहीं जानते। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने पर वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। बुलाओ उसे। अरहान, अरहान, अरहान। इस सदी के इस साल में सदियों पुराना जिन फिर लौट आया,
यू आर वेलकम अरहन। मेरी दुनिया में तुम्हारी दुनिया बहुत याद आई, तुम बहुत याद आई। एक परी ने एक जिन को बुलाया, कोई तो वजह होगी। परी ने नहीं, परिधि ने बुलाया। परिधि ने? पर ये कैसे मुझे बुला सकती है? मुझे तो सिर्फ वही बुला सकती है जिसके पास मुझे बुलाने की शक्तियां हैं। हाँ, शक्तियां हैं तभी तो बुलाया है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बेटी है मेरी, मेरा खून है। क्या? पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे कहा था कि मैं एक साधारण लड़की की मदद करने जा रहा हूँ। नहीं बताया, क्योंकि हम दोनों अच्छी आत्माएं हैं, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों के काम आने वाली। और अच्छी आत्माएं जब भी मदद करती हैं, वो इंसान नहीं, इंसानियत देखती है। मतलब तुम एक इंसान भी हो और एक परी भी। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर परिधि एक परी है तो ये खुद अपनी मदद कर सकती है, इसे मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि ये नहीं जानती कि इसके पास भी शक्तियां हैं। ये एक इंसानी परी है, अब शायद वो शक्तियां भी उसके अंदर आ जाएं जो मेरे और तुम्हारे पास है। लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे ये शक्तियां समझती जाएंगी, वैसे वैसे वो शक्तियां इसके अंदर आएंगी। और इसीलिए अब से तुम्हें इसका साया बन के रहना होगा, दुश्मनों से इसकी रक्षा करनी होगी। जो हुकुम मेरे आका। जा मेरी बच्ची, अब तेरे जाने का वक्त आ गया है। तू चाहे जितनी भी दूर चले जाए, पर हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी। बेटी नजर से ज्यादा दिल में, दिल से ज्यादा यादों में होती है। तुम जब भी मुझे याद करोगी, मुझे अपने सामने पाओगी। अब जब भी अपनी माँ से मिलने का दिल करे ना, तो इस परी को याद करना। परी, परी कहाँ चली गई? हो सकता है सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ नीचे। मैं भी तैयार होकर नीचे जाता हूँ। खाना कितना बोरिंग है। ना मिर्ची है यार, कितना फीका है खाना। शाम, ये क्या खाना बनाया तूने? मसाले तो ठीक से डालता। बच्चों को सरोज के हाथ का खाना खाने की आदत, अब मैं सरोज को कहां से लाऊं? हाँ जी, क्या बना है नाश्ते में? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बताइए, ऊपर तक स्मेल आ रही है। अरे नहीं 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 नहीं, नाश्ता पता कैसे बहुत अजीब सा है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? अपने रिस्क पे खाना भैया, बहुत खराब बना खाना। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग यार, मेरी बीवी के हाथों में जादू है, जादू। बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राजवीर, वही तो पॉइंट है कि परिधि ने खाना नहीं बनाया, इसीलिए तो इतना गंदा बना है, तभी तो मैं केला खा रही हूँ। परिधि ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? इस शाम ने बनाया है, इसीलिए तो इसे डांट रही थी। सुना नहीं तूने? शाम ने खाना बनाया तो
तो परी क्या कर रही है? परी कहाँ है? परी तुम्हारे साथ नहीं है? हम सबको लगा कि तुम्हारे साथ है, थक गई होगी तो इसलिए आराम कर रही होगी, इसलिए हमने उसे उठाया भी नहीं नाश्ता बनाने के लिए। नहीं मेरे साथ नहीं, मैं तो अभी उठा तो वो नहीं थी वहां पर, मुझे लगा नीचे खाना बना रही होगी। तो फिर परी है कहाँ? वो यहाँ भी नहीं तो फिर कहाँ है? तो कैसा महसूस हो रहा है परियों की रानी, मतलब परी की बेटी परी, मतलब अब तो तुम जान ही गई हो तुम हो कौन, तुम कोई साधारण इंसान नहीं मेरे जैसी, तो कैसा एहसास हो रहा है? सच कहूं तो ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी वही हूँ भाई, पहले जैसी परी थी। शायद इसीलिए, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों का अब तक एहसास नहीं, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास हो जाएगा तुम्हारे सारे एहसास बदल जाएंगे। ऐसा है तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। Come on परिधि, जानने में हर्जी क्या है, मैं जानता हूँ कि तुम जानने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही रहो प्यारी सी परी, परिधि, फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्माएं क्या महसूस करती हैं, कैसे अपने शक्तियों से मुश्किलों का सामना करती और कब किस वक्त क्या सोचती है। ऐसा है तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना जाने महसूस कर सकती हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो, तुम क्या सोच रहे हो। अच्छा तो बताओ इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी तुम सोच रहे हो कि अभी तुम सोच रहे हो कि उन दोनों बुरी आत्माओं को कैसे खत्म करूँ, है ना? हाँ। तो फिर सोच क्यों रहे हो अरहान, कुछ करो ना, ढूंढो वो लोग कहाँ हैं और खत्म कर दो उन्हें। एक मिनट, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तुम नहीं जानती, पहले तुम वो जान। क्या? सबसे पहली बात, तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं एक जिन, किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं। पर क्यों? बहुत सवाल करती हो तुम। अरे अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है घर वालों, वो जानते हैं कि हमारे घर पर बुरी आत्माओं का साया है, अपनी जान का खतरा है उन्हें, उनको लगता है कि किसी भी वक्त उनकी जान चली जाएगी, और इस सबके बीच में अगर मैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ जिन का साथ है तो वो नहीं डरेंगे ना फिर। जानता हूं तुम सबको जीने की उम्मीद देना चाहता हूं, सबको नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे अपने दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, यही हमारे दुनिया का दस्तूर, अगर मैं उनके सामने आ गया तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अभी यहाँ कैसे, वो इसलिए क्योंकि तुम इंसान नहीं, अगर मैं किसी के भी सामने आया तो मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा और इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी दुनिया के नियम नहीं तोड़ूंगी।